नमस्कार, मैं हूं राजेश जैस, एक्टर। फिल्म करीम मोहम्मद का हिस्सा होने के अलावा भी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते एक बात कहना चाहूंगा कि जेएंडके और लेह लद्दाख का टोटल एरिया है तकरीबन 2,19,000 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें से कश्मीर का हिस्सा है तकरीबन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर, और उसमें भी तकरीबन 7,000 स्क्वायर किलोमीटर ही वो एरिया है जो थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, जिसमें कुछ वो 7-8 जिले आते हैं जो हमेशा न्यूज में रहते हैं बाय द वर्च्यू ऑफ लोकल न्यूज फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटरनेशनल न्यूज बाय वेरियस इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस ग्रुप्स। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी बात होती है, कोई भी इश्यू होता है, तो उसे डिस्कस करने के लिए तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक ब्रिक्स है, एशियान है, यूएन है, यूएनओ है। वहां तक जो नहीं पहुंच पाते हैं उनके लिए भी सोशल मीडिया जैसी एक चीज है जहां वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन एक तबका है जिसका सीधा वास्ता पड़ता है आतंकवाद से, जिनकी बात बाहर नहीं पहुंच पाती क्योंकि वो मेन स्ट्रीम से जुड़े हुए नहीं है, गांव शहर से जुड़े हुए नहीं है और वो अनपढ़ है। तो ऐसे लोगों का क्या नजरिया है आतंकवाद को लेकर, ये बताने आए हैं डायरेक्टर पवन शर्मा जी अपनी फिल्म करीम मोहम्मद के मार्फत। प्रोड्यूसर रविंद्र राजावत जी की इस फिल्म को मिराज सिनेमा रिलीज कर रही है पूरे भारत में एक साथ 24 अगस्त को, तो देखने जरूर आए।